बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस और थर्ड चैप्टर सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, दैट इज आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। सबसे पहले अब हम लोग आ जाएं, आप अपने पेज पे अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 37 पर आपका फर्स्ट पैराग्राफ है सेंसेस। आर यू अफ्रेड ऑफ इंजेक्शन? आर दे आर पेनफुल? हाउ डज योर ब्रेन नो दैट यू आर गेटिंग अ नीडल प्रिक? ये उसने आपसे एक बात पूछी है कि आपको जब इंजेक्शन लगता है तो आपको कैसे पता चलता है, आपके ब्रेन को कैसे ये मैसेज आता है कि आपको ये इंजेक्शन लगता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे पता चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टिमुली। Thing you react are caused in you, ठीक है। When you react, ठीक है, जब कोई चीज होती है आप उस पर रिएक्ट करते हो, उसे हम स्टिमुली कहते हैं। और senses detect the stimuli, जितनी भी कोई बाहर environment में जो भी कोई चेंज होती है जिसको हम लोग स्टिमुली कह रहे हैं, कोई भी environmental चेंज आता है, कोई भी किस्म का रिएक्शन है जिस पे आपकी बॉडी रिएक्ट करते हो, उसे हम स्टिमुली कह रहे हैं। तो हमारे senses जो है वो stimuli को detect करते हैं। और ये जो डिटेक्ट करते हैं किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं? सेंसरी सेल्स के थ्रू। सेंसरी सेल्स जो है वो हमारे जो है वो हमारे स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और दी सेंसरी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? दी सेंसरी सेल्स को हम लोग कहेंगे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ये जो सेंसरी सेल्स हैं, रिसेप्टर्स का मतलब ये है टू रिसीव, वो सेल्स हैं जिन्होंने रिसीव किया है किसको? स्टिमुली को। तो रिसेप्टर सेल्स और कॉल्ड सेंसरी सेल्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। जब ये रिसेप्टर्स ग्रुप टुगेदर, जब ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, दे विल फॉर्म अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब हमने इस पैराग्राफ में ये चीज देखी है कि सबसे पहले स्टिमुली क्या चीज है। स्टिमुली थिंग्स यू रिएक्ट, जिसपे आप लोग रिएक्ट करते हो, कोई भी आपका रिएक्शन हो सकता है, जैसे कोई पेन हो सकता है, इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है, कोई गर्मी है, कोई सर्दी है, तो आप इन सारी चीजों को डिटेक्ट करते हो ना, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को रिएक्ट करते हो, उसको हम स्टिमुली कहते हैं। तो और सेंसेस डिटेक्ट, जितने भी हमारे सेंसेस हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो इस स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं। और इसके लिए कौन से सेल्स यूज हो रहे हैं जो स्टिमुली को डिटेक्ट कर रहे हैं? वो है सेंसरी सेल्स। इन सेंसरी सेल्स को हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर मीन रिसीविंग द स्टिमुली, ठीक है। तो इन सेंसरी सेल्स को हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं। जब ये रिसेप्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, दे विल फॉर्म द सेंस ऑर्गन्स। अब सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है साइट। साइट इज द सेंस दैट लेट यू नो, साइट जो है वो ऐसे देख, आप किसी चीज को देखते हो, कहते हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं उससे हम देखते साथ ही ये चीज जान लेते हैं कि उस चीज का साइज कितना है, शेप कितनी है, मोशन कितना है, कलर क्या है उस चीज का। लेकिन आपके सामने ये बोर्ड है, अब आपको इस बोर्ड पे भी नजर आ रहा है कि इसका कलर व्हाइट है, इसका साइज छोटा है, बड़ा है, जितना भी वो आप इसको इस बोर्ड को देखते साथ ही आपको ये चीज पता चल जाती है कि ये इसका कलर ये है, इसकी मोशन ये है, इसकी शेप ये है, इसका साइज ये है, इसका कलर। तो ये किससे पता चल रहा है? थ्रू द साइट। साइट इज द सेंस, ठीक है। देखने में हमें जो है वो ये चीज सारी, हमें ये सारी चीजें पता चल जाती हैं देखते साथ ही कि इस चीज का कितना साइज है, शेप क्या है, मोशन क्या है, इसकी कलर क्या है। दिस इज द सेंस ऑफ साइट। अच्छा, सबसे पहले उसने एक ये आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोग देखें। अब यहां पर वो कह रहा है कि अगर ये कुछ पॉइंट्स हम आपके बुक में सेम एज इट इज इसी तरह से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहां पर वो बात कर रहा है कि जब लाइट जो है किसी चीज पे पड़ती है, जैसे उसने एग्जांपल दी है लीव की, ठीक है। अब लाइट इस लीव के ऊपर पड़ रही है, तो जब लाइट इस पर पड़ेगी तो ऑब्वियसली लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब ये लाइट इस चीज पर पड़ी और इससे लाइट में रिफ्लेक्शन की, तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहां गई? हमारी आईज में। सबसे पहले लाइट फॉर एन ऑब्जेक्ट, लाइट किस पर पड़ी? किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो यहां पे आपकी बुक में उसने एक लीफ की एग्जांपल दी है कि लाइट जो है वो एक लीफ पर पड़ी और उसके बाद क्या हुआ? लाइट रिफ्लेक्ट। जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो वो कहां चली गई? डायरेक्टली टू द आईज, हमारी आईज में चली गई। अब ये जो लाइट है कहां कहां से पास हुई? अब वो डिफरेंट पार्ट बता रहे हैं आपको। लाइट पासिस थ्रू कॉर्निया, प्यूपल एंड लेंस। कहां कहां से पास हुई? लेंस, प्यूपल, कॉर्निया, इन तीनों से लाइट पास हुई। कॉर्निया, दिस वन इज अ कॉर्निया, दिस वन इज अ प्यूपल, दिस वन इज अ लेंस। लाइट पास, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी, ठीक है, ये कहां से पास हुई? कॉर्निया से, प्यूपल से और लेंस से। अब लेंस का क्या काम था? दिस वन इज अ लेंस,
ठीक है। अब लेंस ने क्या किया, शार्पन इमेज एंड इनवर्टेड। अब लेंस ने ना वो उल्टा नजर आता है, इनवर्टेड नजर आता है उल्टा, ठीक है। जो ऊपर वाली चीज है ये देखें, मतलब ये देखें, ये अगर नीचे नजर आएगा ये देखें इस तरह से इनवर्टेड नजर आता है, ठीक है। ये लेंस का काम उसने बताया। और इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, ये रेटिना है यहाँ पे इमेज बन रहा, ठीक है। अब रेटिना से मैसेज, अब रेटिना का क्या काम है, अब रेटिना पे इमेज तो बन गया, अब रेटिना ने वो मैसेज किसको दे दिया, टू द ब्रेन, टू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये ऑप्टिक नर्व है, इसके थ्रू मैसेज गया है ब्रेन की तरफ, ठीक है। जो इमेज उसका रेटिना में बना, और रेटिना ने ये किया कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज ब्रेन में चला। अब ब्रेन जो है वो उसको इंटरप्रेट करेगा कि ये किस तरह का इमेज है। अब वो वैसे तो हमारा इमेज जो आईज में बना था वो इन्वर्टेड बन गया था, ये देखिए यहां पे लिखा है कि लेंस ने जो इमेज बनना था, इमेज तो वैसे रेटिना में बन रहा था लेकिन वो जो था उसने उसको इन्वर्टेड रखा था, और वो जो इन्वर्टेड इमेज था वो मैसेज गया थ्रू द ब्रेन, ठीक है, थ्रू ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के पास मैसेज आने के बाद ब्रेन ने उसको इरेक्ट किया, इरेक्ट मीन उसको सीधा कर दिया, ठीक है, एंड हेल्प आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसने आइडेंटिफिकेशन किया कि ये चीज क्या है, ठीक है। दो काम ब्रेन ने किए हैं, एक तो ये कि जो इन्वर्टेड इमेज था, उल्टा जो इमेज था उसको इरेक्ट किया है, सीधा किया, और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन की है, क्या है ये, क्या चीज है। अब मैंने तो लीफ की एग्जांपल दी है ना, तो उसने आइडेंटिफिकेशन लीफ की किया कि ये लीफ है। तो ये है वो पूरा आईज का स्ट्रक्चर, और किस तरह से इमेज बनता है, और उसके बाद ब्रेन उसे कैसे इंटरप्रेट करता है, ये सारी चीजें इस पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन की। मैं एक दफा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जब लाइट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ऑब्जेक्ट यहां पर जो लिया गया था वो लीफ था, ठीक है। उसने जैसे ही लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिफ्लेक्शन, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज मिली। अब आईज, आईज में जाने के बाद लाइट कहां कहां से गुजरी, कॉर्निया से, लेंस से और प्यूपल से। अब लेंस पे ये हुआ कि उसने इमेज बना, लेकिन इट इज इन्वर्टेड इमेज, लेकिन जो रेटिना था, इमेज फॉर्म ऑन, इमेज बन कहां रहा था, ये देखें ये रेटिना है, तो रेटिना पे इमेज बना। अब उसने रेटिना ने मैसेज सेंड किया टू द ब्रेन, ब्रेन की तरफ मैसेज किया, थ्रू किसके थ्रू गया, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू रेटिना ने मैसेज ब्रेन को भेज दिया। अब ब्रेन ने पहला काम, ये दो काम किए ब्रेन ने वहां पे, एक तो वो जो इन्वर्टेड इमेज था वो इरेक्ट इमेज हुआ, सेकेंड ये था कि उसने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किया, कि उस ऑब्जेक्ट का पता चले कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। ये था वो ब्रेन का, सॉरी साइट का पूरा ये पैराग्राफ था, जिसको मैंने पॉइंट्स में भी लिख दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स, रेटिना मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर। रेटिना किसका बना, दो टाइप्स हैं उसकी फोटोरिसेप्टर्स की, जिसको हम लोग कह रहे हैं रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना किसका बना हुआ है, टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर्स का, और वो कौन से हैं, रॉड्स एंड कोन। अच्छा, रॉड्स जो है दे आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट, ठीक है, वो किसके, वो डिम लाइट में, और इसके रात को जो हम लोग देखते हैं तो वो हमें किससे नजर आ रहा है, थ्रू द रॉड, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट इन नाइट व्यू। जबकि कोन्स जो है दे आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, कोन्स है वो सेंसिटिव है ब्राइट लाइट में, और दे लेट यू सी कलर्स। अब जितनी भी कलर्स की डिटेल है या जो भी कलर है वो हमें किससे पता चलता है, थ्रू द कोन्स। रॉड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द नाइट व्यू, और जो कोन्स है दे आर यूज टू सी द कलर्स एंड डिटेल। जो भी हम लोगों ने कलर्स, जो हमें रोशनी में जो जितने भी कलर्स नजर आ रहे हैं वो सारे हमें द हेल्प ऑफ कोन्स है। ये थी जी ये इसकी रॉड्स एंड कोन्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हियरिंग। लेट डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, हियरिंग। और नेक्स्ट टॉपिक इज हियरिंग। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। When something vibrates, कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। When things vibrate, they will produce the sound. अब वाइब्रेट जब कोई चीज करेगी साउंड प्रोड्यूस हो गई, लेकिन ये जो साउंड वेव्स हैं ये ट्रेवल कैसे करेंगे, ठीक है। आपके कानों तक जो आवाज आ रही है इसको एक मीडियम चाहिए फॉर द ट्रेवल, साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए, और वो मीडियम है एयर। अगर एयर नहीं होगी तो हमें कोई भी आवाज नहीं आएगी। अब मून के ऊपर यही तो प्रॉब्लम है कि मून के ऊपर आवाज नहीं आती, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल क्योंकि वहां पे एयर मौजूद नहीं है, मून पे एयर नहीं है, तो फिर वो जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। तो साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर,
रीच टू आवर ईयर। हमारे कानों तक जो आवाज आ रही है ये कैसे साउंड ने ट्रेवल किया थ्रू द मीडियम विच इज ईयर। अब आप लोगों को ये सब पता है कि ईयर इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए आप लोग कान को यूज करते हो। अब यहां पर उसे तीन पार्ट्स बताए हैं ईयर के, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। ये आउटर ईयर है, ठीक है, ये देखिए आपकी बुक में भी बना हुआ है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहां पर उसने बकायदा निशान लगा के दिखाए हैं, ये यहां से लेके यहां तक ये आउटर ईयर है, मतलब ये पोर्शन, ये वाला सारा आउटर ईयर है, ये वाला मिडल ईयर है और ये लास्ट वन पोर्शन जो है ये इनर ईयर है। ये तीन उसने बताया बकायदा, ये आउटर यहां तक आउटर ईयर, ईयर यहां से मिडल और ये लास्ट वन जो पॉइंट पार्ट है ये इनर ईयर। यहां पर भी मैंने ड्रॉ किया लेकिन मैंने कहा शायद डायग्राम में आपको नजर ना आए, तो बुक से आपको सही नजर आएगा, ये आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। आउटर ईयर इज अ फनल लाइक शेप है, ये आउटर ईयर इज अ फनल लाइक शेप एंड डायरेक्ट साउंड यहां से कानों में आवाज आती है आउटर ईयर के थ्रू एंड टू द ईयर कैनाल, यहां से आवाज आई यहां ईयर कैनाल तक पहुंच गई। तो आउटर ईयर में सबसे पहले जिस वन फनल लाइक शेप, यहां से आवाज आएगी डायरेक्ट होगी साउंड वेव एंड ट्रेवल इन टू द ईयर कैनाल, यहां से साउंड ईयर कैनाल तक पहुंचेगी। When these waves reach middle ear, अब आपको मैंने भी बताया था कि यहां से आगे जो है वो मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो जब ये वाली जो आवाज ईयर कैनाल से गुजरते हुए मिडल ईयर में जब पहुंचेगी, they vibrate ear drum, किसकी वाइब्रे ईयर ड्रम। तो ये जब ये साउंड यहां से आउटर ईयर फनल लाइक शेप से जिस वक्त साउंड इंटर हुई ईयर कैनाल में मूव करते हुए मिडल ईयर में पहुंच गई, जब ईयर ड्रम तक पहुंचेगी तो ये कहां वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ईयर ड्रम, ये ड्रम वाइब्रेट्स, दे वाइब्रेट्स द ईयर ड्रम। ये जो आवाज आई है, ये जो वेव्स आई हैं, दे विल वाइब्रेट द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम कन्वर्ट साउंड वेव्स टू वाइब्रेशन। अब ईयर ड्रम का काम क्या है, ये फंक्शन है ईयर ड्रम का, वो कन्वर्ट कर देता है साउंड वेव्स टू वाइब्रेशन। साउंड वेव्स किसमें कन्वर्ट हो गई, ईयर ड्रम ने यह काम किया कि उसने साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर दिया इन टू द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में कन्वर्ट हुई और पास में थ्री टाइनी बोन्स, यहां पर तीन टाइनी बोन्स है, वन टू थ्री, ये तीन जो टाइनी बोन्स है यहां पर पहुंच। आप अपनी बुक में भी देखने ये थ्री टाइनी बोन्स आपको सही नजर आएंगी, ये कि थ्री टाइनी बोन्स लिखा हुआ है, ये थ्री टाइनी बोन्स है। तो अब ये जो साउंड ईयर ड्रम ने उसका फंक्शन क्या था, इट कन्वर्ट साउंड वेव्स टू वाइब्रेशन, उसने साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर दिया इन टू द वाइब्रेशन और फिर उसने कहां पास कर दिया इनको, नेक्स्ट में, दैट इज थ्री टाइनी बोन्स। अब ये जो बोन्स थी, दीज बोन्स इंक्रीज वाइब्रेशन अप टू 20 टाइम्स। अब जो वाइब्रेशन थी वो कितनी इंक्रीज होगी, अप टू 20 टाइम्स। वन ऑफ दीज बोन वाइब्रेट कॉपी, अब इन तीनों में से एक जो बोन थी उसने किसको वाइब्रेट कर दिया, कॉपिया। आपको बुक में भी मैं दिखा देती हूँ, इन तीनों बोन्स में से एक ने जो है वो कॉकलिया को वाइब्रेट किया, वाइब्रेट कॉकलिया। कॉकलिया क्या है, वो देखिए स्नेल लाइक शेप है, ये है स्नेल लाइक शेप, ये कॉकलिया है, यहां पे बुक में भी देख रहे हैं, ये कॉकलिया है, ठीक है। वन ऑफ दीज बोन वाइब्रेट कॉकलिया, और कॉकलिया इज अ स्नेल लाइक पार्ट इन इनर ईयर, इनर ईयर में ये इसकी शेप जो है वो स्नेल लाइक है एंड इज फिल्ड विद फ्लूइड, इसके अंदर पूरा इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है। एंड साउंड वाइब्रेशन मेक वेव्स, और इसका एक तो फ्लूइड है और ये इसका दूसरा काम ये है कि ये साउंड वाइब्रेशन को किसमें कन्वर्ट करी है, इन टू द एंड फिल्ड विद फ्लूइड एंड साउंड वाइब्रेशन मेक वेव्स। ये जो साउंड वाइब्रेशन थी इसने क्या प्रोड्यूस कर दी, मेक्स द वेव्स। अब ये जो वेव्स थी इनको कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर सेल्स, और ये रिसेप्टर सेल्स कहां पर मौजूद है, कॉकलिया में। और जब ये जो वेव्स हैं जिनको रिसेप्टर सेल्स ने डिटेक्ट किया है, ये जो रिसेप्टर सेल्स हैं सेंड मैसेज टू द ब्रेन, उसके बाद रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये मैसेज भेजेंगे ब्रेन को थ्रू ऑडिटरी नर्व्स, किसके थ्रू जाएंगे, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। जो आई से जो मैसेज आता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता था, ये अपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऑप्टिक नर्व जो थे वो आईज के लिए वो मैसेज ब्रेन से ऑप्टिक नर्व जो है वो मैसेज भेजती थी टू द ब्रेन कि आईज में होता था, और यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स यूज हो रही है, जो रिसेप्टर सेल्स ने डिटेक्ट किया और ब्रेन को मैसेज जा रहा है थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। अब ब्रेन क्या करेगा, दे विल इंटरप्रेट दीज सिग्नल्स एंड साउंड क्लियर, उसके बाद उस ब्रेन जो है उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा और फिर वो हमें जो आवाज जो आई थी वो हमें समझ भी आएगी कि वो क्या आवाज थी।
तो इस तरह से ये जो आवाज ये जो साउंड है उसको इंटरप्रेट करने में ब्रेन हेल्प करेगा। ये था आई ब्रेन का सॉरी ये ईयर का पूरा स्ट्रक्चर। मैं इसको लास्ट में दफा दोबारा से समराइज कर देती हूँ कि साउंड सबसे पहले कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय व्हेन एनीथिंग वाइब्रेट। जब वाइब्रेट कोई चीज करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, और जो साउंड वेव्स हैं इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम यहाँ पे जो है वो एयर है। अगर एयर नहीं होगी तो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल। आपको पता है कि ईयर इज द सेंस ऑफ ईयर जो है यूज हो रहा है फॉर द ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, ठीक है। इसके अलावा इसके पार्ट्स बताए हैं ईयर के, इसके तीन मेजर पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। अब आपको मैंने बकायदा वो आउटर ईयर भी दिखाया है, मिडल भी दिखाया है, और इनर ईयर भी बुक से दिखाया है। अब हम लोग जैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि आउटर ईयर में क्या है। सबसे पहले ये फनल लाइक शेप है, इसमें साउंड आएगी और ये मूव करेंगे टू द ईयर के नाम। आउटर ईयर इज फनल लाइक शेप एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स टू ईयर के नाम। यहाँ पे साउंड जो है यहाँ से डिटेक्ट हुई, यहाँ मूव कर दी। अब क्या होगा, ये वेव्स जो है जब मिडल ईयर में पहुंचेंगी, ये जो वेव जो हम लोग ने इसने डिटेक्ट किया आउटर ईयर से, ये मिडल ईयर में पहुंच गई, वहां पे इसने किसको वाइब्रेट किया, दिस वन इज द ईयर ड्रम, उसमें उसके अंदर वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। अब ईयर ड्रम ने सेकंड काम ये है कि वो जब मिडल ईयर में पहुंच गया तो वाइब्रेशन वाइब्रेट ईयर ड्रम हुआ है। उसके बाद सेकंड ये है कि ईयर ड्रम ने कन्वर्ट किया साउंड वेव टू वाइब्रेशन, इसने कन्वर्ट कर दिया ईयर ड्रम ने साउंड वेव्स को वाइब्रेशन में, और वाइब्रेशन में जैसे ही वो कन्वर्ट हो गया उसके बाद वो पास हो गए थ्री टाइनी बोन्स। यहाँ पे तीन टाइनी बोन्स थी तो ये जो वाइब्रेशन थी इट विल मूव इन टू द थ्री टाइनी बोन्स। अब ये जो बोन्स है इंक्रीज वाइब्रेशन 20 टाइम्स, ये जो बोन्स हैं इसके अंदर वाइब्रेशन 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसमें से जो एक बोन है, तीन में से एक बोन जो थी, इसने क्या किया, वाइब्रेट कॉक्लिया, ये कॉक्लिया है, ये देखिए यहाँ पे तीन में से एक बोन ने इसको वाइब्रेट करना है, कॉक्लिया को वाइब्रेट किया। कॉक्लिया क्या है, इट इज अ स्नेल लाइक पार्ट इन द इनर ईयर, बिल्कुल ये इनर ईयर में ये स्नेल लाइक पार्ट है, इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है, ये स्नेल लाइक पार्ट है, इसके अंदर एक फ्लूइड है फिल्ड विद फ्लूइड एंड साउंड वाइब्रेशन मेक वेव्स। और यहाँ पर साउंड जो वाइब्रेशन है वो क्या बना रही है, वेव्स बना रही है, ठीक है। वो जो वाइब्रेशन जो कन्वर्ट आगे वाइब्रेशन मूव हुई थी ना कॉक्लिया से इंक्रीज वाइब्रेशन, मतलब बार बार साउंड वेव्स हो तो वाइब्रेशन में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्लूइड ने क्या किया, साउंड वाइब्रेशन मेक्स वेव, ये जो साउंड वाइब्रेशन थी इसने वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, और ये जो वेव्स हैं इसको डिटेक्ट किया सेपर सेल्स ने, और ये सेपर सेल्स कॉक्लिया में मौजूद है। ये सेपर सेल ने सेंड मैसेज टू द ब्रेन, ये सेपर सेल ने मैसेज भेजा ब्रेन को, लेकिन किस नर्व के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू सेपर सेल्स ने मैसेज ब्रेन को दिया। ब्रेन ने इस सिग्नल को दोबारा से इंटरप्रेट किया और जो आवाज थी उसको समझ गई। ये था पूरा ईयर का स्ट्रक्चर जिसको मैंने दोबारा से समराइज कर दिया। नेक्स्ट जॉब हमारा है वो है सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टच। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इज सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टच। सबसे पहले हम लोग टेस्ट को डिस्कस करते हैं। टेस्ट इज अ सेंस यूज टू डिटेक्ट फ्लेवर, फ्लेवर को डिटेक्ट करने के लिए सेंस ऑफ टेस्ट यूज हो रहा है। हम लोग जो चीज भी खाते हैं वो जिस किस्म का भी टेस्ट है, जैसे कोई स्वीट टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, सोर टेस्ट है, तो हमें ये सब किससे पता चलता है, थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट। और टर्म इज कवर्ड बाय टाइनी बम्स फॉर टेस्ट वर्ड्स, हमारी जुबान के ऊपर बहुत ज्यादा टेस्ट वर्ड्स मौजूद हैं हमारी, और टर्म इज कवर्ड बाय अ टेस्ट वर्ड्स एंड दीज टेस्ट वर्ड्स हैव अ टेस्ट रिसेप्टर। इन टेस्ट वर्ड्स के है पास क्या, दे हैव अ टेस्ट रिसेप्टर्स। अब ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं ये फोर डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। वो फोर डिफरेंट जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो है एक सोर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, सॉल्टी एंड द बिटर। दीज आर द फोर टेस्ट विच इज डिटेक्ट बाय द टेस्ट रिसेप्टर। ये जो चार डिफरेंट टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं इसको कौन डिटेक्ट कर रहा है, इसको टेस्ट रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये मैसेज भेजेंगे टू द ब्रेन, ब्रेन को मैसेज आता है, वो ब्रेन आगे से बताता है, इंटरप्रेट करता है उस टेस्ट को, क्या है वो सोर टेस्ट का है, वो मीठा है, वो बिटर है, वो सॉल्टी है। तो ये फिर हमारा जो है ब्रेन जो है वो उस टेस्ट को इंटरप्रेट करता है और हम उस टेस्ट को फिर पहचान लेते हैं कि ये स्वीट टेस्ट है, बिटर है, सॉल्टी है या सोर है। इसमें चार ही डिफरेंट मेन पॉइंट्स थे, ये कि फ्लेवर को डिटेक्ट करने के लिए सेंस ऑफ टेस्ट यूज होता है, हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स इन टेस्ट बर्ड्स के पास दे हैव अ टेस्ट रिसेप्टर्स, ठीक है। टेस्ट रिसेप्टर्स का क्या काम है, टेस्ट रिसेप्टर्स जो है फोर डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, और वो जो फोर डिफरेंट टेस्ट है वो सोर है, स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं टेस्ट रिसेप्टर्स,
ये मैसेज भेजेंगे टू द ब्रेन, ब्रेन जो है उस टेस्ट को इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद हम फिर उस टेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि सॉल्टी टेस्ट है, बिटर है, स्वीट है, सोर। तो वो ब्रेन जब इंटरप्रेट करता है उसके बाद हमें उस चीज का टेस्ट का पता चलता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल। थिंग्स हैव स्मेल बिकॉज दे गिव ऑफ पार्टिकल्स फॉर मॉलिक्यूल। हर चीज की किसी ना किसी हर चीज कोई ना कोई स्मेल होती है। उसकी स्मेल क्यों है? क्योंकि उसमें से एक पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, जिनको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब हम लोग किसी चीज को स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करता है, हमारे नोज के अंदर चले जाते हैं, वहां पर रिसेप्टर्स मौजूद है, उसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं, स्मेल रिसेप्टर्स हैं, वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो उस स्मेल को जो है वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कौन किस चीज की स्मेल है, या फिर वो अगर न्यू स्मेल हो तो फिर उसको याद भी रखा जाता है कि दोबारा अगर हम दोबारा उस वो स्मेल आए तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये फलानी चीज की स्मेल थी। तो ये है वो स्मेल की 3-4 पॉइंट्स हैं। मैं दोबारा से बताती हूँ कि थिंग्स हैव स्मेल बिकॉज दे गिव ऑफ पार्टिकल्स फॉर मॉलिक्यूल। हर चीज की स्मेल है बिकॉज उसमें से कोई ना कोई इस तरह के पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। When you sniff something, molecules travel to top of your nose and attach with the receptors. जब हम लोग किसी चीज को स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो हमारी नोज के ऊपर ट्रेवल करते हुए अंदर जाके स्मेल के रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अब स्मेल रिसेप्टर्स जो है वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो स्मेल को पहचानने की कोशिश करता है, और फिर हम अगर वो न्यू स्मेल हो तो उसे हमें ये भी पता चल जाता है कि ये अगर उसको याद रखते हैं स्मेल को, कि ताकि बाद में अगर दोबारा वो स्मेल आए तो हम पहचान लें कि ये किस चीज की स्मेल थी। अब ये देखें आपकी बुक में, देखें ये सेंस ऑफ स्मेल बना हुआ है। देखें स्मेल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द नेजल कैविटी, नाक के अंदर वो देखेंगे सारे जो हैं कि इस तरह से मूव करते हुए अंदर रिसेप्टर्स के साथ, स्मेल रिसेप्टर्स के साथ जाके ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो अटैच हो गए हैं रिसेप्टर्स के साथ, और ये जो रिसेप्टर्स हैं फिर मैसेज भेज रहे हैं टू द ब्रेन। ये ब्रेन को मैसेज किया, ब्रेन ने जो है वो दोबारा इसको बताया कि किस चीज की स्मेल है। नेक्स्ट है टच। When we touch something, tiny touch receptors in our skin send message to our brain. हम लोग अगर किसी चीज को हाथ लगाते हैं, ठीक है, when we touch, हम किसी चीज को भी हाथ लगाएंगे तो वहां से हमारी स्किन के ऊपर जो है वो बहुत सारे स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, स्किन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये मैसेज फौरन ब्रेन की तरफ भेजते हैं। हमारी स्किन के ऊपर क्या मौजूद है? स्किन रिसेप्टर्स मौजूद है, और ये जो स्किन रिसेप्टर्स हैं ये मैसेज भेजते हैं ब्रेन की तरफ। अब हमारे जो स्किन के जो टच के रिसेप्टर्स हैं वो 3 किस्म के डिफरेंट टच रिसेप्टर्स हैं। एक मैकेनो रिसेप्टर्स है, एक थर्मो रिसेप्टर्स है, और एक पेन रिसेप्टर्स है। दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ टच रिसेप्टर्स, और इनका काम इनके नेम से पता चल जाता है कि ये थर्म का मतलब हीट है, तो वो हीट को डिटेक्ट कर रहे हैं, पेन को डिटेक्ट कर रहे हैं, मैकेनो मीन के कोई भी मैकेनिकल कोई चीज वर्क करते हैं तो उसको रिसेप्टर जो है वो रिसीव करते हैं, बॉडी की जो मूवमेंट है हमारी, ठीक है, उसको मैकेनो में वर्ड आता है। तो ये थर्मो मीन के हीट को डिटेक्ट करेंगे, पेन को डिटेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि वो जो जब कोई चीज हम लोग टच करते हैं, हमें कोई चीज टच करती है तो वो फॉर मैसेज आता है हमारा ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो है वो आगे उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर डेफिनेट वो कोई उसका आउटपुट आती है। तो ये है जो वो ब्रेन के, ये है टच। अब जो ये आपका लास्ट टॉपिक था, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसकी एक्सरसाइज में आप लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स, पेज नंबर 43 एंड 44, ट्रू फॉल्स और चूज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है, बुक पे ही आप इसको कर लें। ट्रू फॉल्स ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं घर पे बैठ के। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं, यहां पे एक टेबल बना हुआ है, ये है वो टेबल, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टिमुली रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स, तो यहाँ पे डिम लाइट रिसेप्टर्स में रॉड्स एंड कोन्स, कॉक्लियर रिसेप्टर सेल्स, तो ये इस डिम लाइट को कौन कौन सा सेंस ऑर्गन है जो इसको आपने सेंस ऑर्गन बताना है यहाँ पर। तो रॉड्स के लिए आइज है, कोन्स के लिए भी आइज है, कॉक्लिया और रिसेप्टर सेल्स के लिए, कॉक्लियर रिसेप्टर सेल जो है ये उसमें आता है ईयर में, नॉट आइज है, ये ईयर है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पे आ जाएं, टेस्ट बर्ड्स में टंग है, और इसका जो रिसेप्टर्स हैं उसमें रिसेप्टर्स हैं और नोज है। इसके बाद टच एंड प्रेशर पे आ जाएं,
मैकेनोरिसेप्टर्स स्किन है, थर्मो भी अभी मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया ये भी स्किन है, पेन रिसेप्टर्स भी स्किन है। यहाँ पर ये जो कॉकलिया एंड द रिसेप्टर सेल्स है ये वाला, यहाँ पे आपने आईज नहीं करना, यहाँ पे आपने ईयर करना है। कॉकलिया भी हम लोगों ने पढ़ा था, कॉकलिया कहाँ पे मौजूद था, ये ईयर के अंदर था, कॉकलिया ईयर के अंदर है। आप यहाँ पे आईज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, आपने ईयर करना है यहाँ पे। कॉकलिया एंड रिसेप्टर सेल्स बार बार मैं बता रही हूँ आपको, ये है जी कॉकलिया एंड रिसेप्टर सेल्स, यहाँ पर आपने ईयर लिखना है, नॉट आईज, ठीक है। इसके बाद है मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, यहाँ पे आपने रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स में आईज, कोन्स में भी सेंस ऑर्गन आपने बताना है आईज, कॉकलिया और रिसेप्टर सेल्स जो थे वो ईयर के अंदर मौजूद हैं, टेस्ट जो है वो टेस्ट बर्ड्स रिसेप्टर्स बताने हैं, और फिर टंग है। इसके अलावा स्मेल रिसेप्टर्स के आपने नोज बताने हैं, मैकेनो रिसेप्टर स्किन है, थर्मो रिसेप्टर स्किन है, पेन रिसेप्टर स्किन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स ऑन योर टंग, हाउ कैन यू डिटेक्ट 100 ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर्स। आपके टंग के ऊपर वैसे तो हमारे फोर डिफरेंट के अभी मैंने टेस्ट बताए थे, फोर टेस्ट हैं, ठीक है, सोर है, स्वीट है, सॉल्टी एंड बिटर है, लेकिन आपके जो टेस्ट, हाउ कैन यू डिटेक्ट 100 ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर, आपको किस तरह से 100 ऑफ टेस्ट और फ्लेवर को आप डिटेक्ट करते हो। तो इसका आंसर है, टंग इज कवर्ड विद 100 ऑफ टेस्ट बर्ड्स, टंग इज कवर्ड विद 100 ऑफ टेस्ट बर्ड्स एंड ईच टेस्ट बर्ड्स हैव 50 to 100 टेस्ट रिसेप्टर्स। टंग इज कवर्ड विद 100 ऑफ टेस्ट बर्ड्स एंड ईच टेस्ट बर्ड्स हैव 50 to 100 टेस्ट रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है, व्हाई आर सम एरियाज ऑफ योर स्किन मोर सेंसिटिव टू टच देन अदर्स। अब इसका आंसर है, रिसेप्टर्स इन आवर स्किन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म वे अराउंड आवर बॉडीज some parts of body have more touch receptors, question number 4, your ears are working all the time but you do not hear thing while you are sleeping, how is this possible? इसका आंसर है, और ब्रेन डजंट प्रोसेस बट और ईयर कंटिन्यू टू हियर साउंड बट ब्रेन शट्स देम नेक्स्ट है, कलर ब्लाइंड पीपल्स आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स, विच रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग इन देयर आईज। पहले तो आप लोगों ने बताना है कलर ब्लाइंड होता क्या है। कलर ब्लाइंड क्या है, इन विच वी डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन, वो लोग होते हैं जो रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड द कलर ब्लाइंड पीपल्स, पीपल हु डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन इज कॉल्ड कलर ब्लाइंड पीपल्स। अब नेक्स्ट से पूछा है कि अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स, विच रिसेप्टर्स आर नॉट, वहां पे कौन सा उनका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, तो कौन जो है वो वहां पे उनके काम नहीं करे, तो आपने कहना है, सो दे लैक रेड डिटेक्टिंग कोन सेल्स और पिगमेंट्स, दे लैक रेड डिटेक्टिंग कोन सेल्स और पिगमेंट और ग्रीन डिटेक्टिंग कोन्स और पिगमेंट्स ये आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है, आप अपने तौर पर इसके आंसर इसी तरह से सोच के आप दो तीन पॉइंट जो है वो आप लोग बना के इस तरह से लिखेंगे। मैंने भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं और ये एक तरह से रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो ये इतने लंबे नहीं होते इनका आंसर्स, तो आपने इसको एज इट इज जो है वो दो दो या तीन तीन पॉइंट्स जो आपको मुझे समझ आ रही है, मैंने थोड़ा सा बोला भी है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो उसको देखते हुए आप लोग अपनी मर्जी से 2 or 3 पॉइंट्स इन क्वेश्चन के लिखेंगे, रीजन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर डी ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, एक स्टोरी टाइप है जो आप लोगों ने खुद करनी है। नेक्स्ट जो है वो लेबल करनी है डायग्राम को, ठीक है, यहां पर आपने इसको बकायदा आई का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आप लोगों ने भी एज इट इज
इसको ये देखेंगे इस तरह से, ये आई का स्ट्रक्चर गिवन है, आप लोगों ने इसको उसी तरह से लेबल करना है। वैसे तो मैंने ये बोर्ड पे लेबल किया था, आपने भी वैसे ही लेबल करना है, आप मेरी वीडियो में देख लें इसको कैसे इसको लेबल करना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ई, आयरिस मसल कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपल, द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पुपल, लाइट इंटेंसिटी एंड योर इमोशंस इफेक्ट द साइज ऑफ योर पुपल। नंबर वन इज, व्हाट इज द साइज ऑफ योर पुपल व्हेन यू आर एक्साइटेड और फ्राइटेन। जब आप लोग एक्साइटेड हो जाएं या फिर आप फ्राइटेन हो तो आपका उस वक्त पुपल का साइज क्या होता है, तो पुपल विल डायलेट, आपने बताया कि पुपल उस वक्त डायलेट कर जाता है। सेकेंड है, व्हाट इज द साइज ऑफ योर पुपल व्हेन यू आर बोर्ड टायर्ड एंड स्लीपी। जब थके हो, टायर्ड हो, स्लीपी हो, उस वक्त आपके पुपल का साइज क्या होगा, तो इट इज श्रिंक। ठीक है, सो उसका साइज छोटा होगा, ठीक है, श्रिंक होगा। थर्ड है, हाउ विल योर पुपल साइज, हाउ विल योर पुपल साइज चेंज व्हेन यू गो आउट ऑफ डार्क एरिया टू द वेल लिट एरिया। अगर आप डार्क से लाइट एरिया में जाते हो तो उस वक्त आपका पुपल जो है उसका साइज क्या हो जाता है, तो आपने बताना है इसका आंसर। इन ब्राइट लाइट साइज ऑफ पुपल स्मॉल, बट इन डार्क रूम पुपल इज लार्ज। डार्क रूम में पुपल का साइज बड़ा हो जाता है और लाइट वाले में उसका पुपल का साइज छोटा हो जाता है। सो व्हेन वी कम आउट इन ब्राइट लाइट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इंटर टू आवर आईज। जब हम लोग एक ब्राइट लाइट से निकलते हैं, ब्राइट लाइट से जब निकल के जाते हैं, तो हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आंखों में जाती है, इंटर टू आवर आईज एंड वी फील ग्लैरी। ठीक है, ग्लैरी मीन डिफिकल्ट टू सी। तो यह है जी इसका आंसर। ठीक है, जब आप, अब आपको मैं दोबारा से इसका दोबारा आंसर बता देती हूँ। इन डार्क लाइट साइज ऑफ द पुपल इज स्मॉल, बट इन डार्क रूम पुपल द साइज ऑफ द पुपल इज लार्ज। सो व्हेन वी कम इन ब्राइट लाइट, जब हम डार्क एरिया से ब्राइट लाइट में जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इनटू टू आवर आईज। जब हम लोग डार्क रूम से लाइट रूम, लाइटेड रूम में जाएंगे, तो बहुत ज्यादा लाइट जो है इनटू टू आवर आईज। ठीक है, एंड वी फील ग्लैरी मीन कि वी आर डिफिकल्ट टू सी। ठीक है, या आप लोग ये भी वर्ड लिख सकते हैं, दैट वी हैव डिफिकल्ट टू सी। ग्लैरी नहीं लिखना चाह रहे तो आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या आप लोगों की अपनी मर्जी, आप जिस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज नंबर 47 पे आ जाएं। ये वाला क्वेश्चन है, योर फ्रेंड इज विस्परिंग इन योर ईयर, हाउ यू आर लिसनिंग टू योर विस्पर, ड्रॉ एरो इन दिस डायग्राम एंड शो हाउ द मैसेज इज मूविंग इन द ईयर। तो आपका कैसे मैसेज आएगा, तो आप लोगों ने इसका सबसे पहले आंसर बताना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपने इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले है साउंड फ्रॉम सोर्स। साउंड फ्रॉम सोर्स क्या है, ईयर केनाल है, उसके बाद मिडल ईयर है, उसके बाद ईयर ड्रम है, देन इनटू थ्री टाइनी बोन्स, देन कॉक्लिया, देन रिसेप्टर सेल्स एंड देन ब्रेन रिसीव द सिग्नल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस ऑफ योर क्वेश्चन। ये तो जनरल टाइप कुछ रीजंस के क्वेश्चंस थे, कुछ इस तरह से कुछ लेबल करनी थी डायग्राम्स को, ये तो हमने एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया है। आपका जो काम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बुक पे सॉल्व करने हैं, और साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करना है। ये लेबलिंग जो है ये भी आप बुक पर ही करेंगे। और जब लॉन्ग क्वेश्चंस की जब हम लोग बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में जो आप लोगों को खुद से बनाना चाह रही हूँ, आप वो क्वेश्चंस जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रॉड्स एंड कोन्स। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज, ड्रॉ इंटरनल साइन्स
स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड आईज. आपने ड्रॉ करना है इसको. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द सेंस ऑफ साइट. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन सेंस ऑफ हियरिंग इन डिटेल. ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज write a note on number 1 sense of taste, number 2 sense of smell, number 3 sense of touch. ये शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपने इन तीनों पे लिखने हैं. आपने पूरा साइट का जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपके बुक के पेज नंबर मैं आपको दिखा भी देती हूँ. ये वो पॉइंट्स हैं. आपने पहले इंटरनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी गिवन है, और ये साइट का जो है, ये आप लोगों ने ये पूरे 5-6 पॉइंट्स हैं, इसको आपने लिखना है कैसे लाइट इंटर हुई. इसके बाद ये हियरिंग वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये सेंस ऑफ हियरिंग है, इसके भी 8-9 पॉइंट्स हैं. ये है सेंस ऑफ हियरिंग, ये है सेंस ऑफ हियरिंग. इसका पूरे ये पॉइंट्स आप लोगों ने बताने हैं मुझे, ठीक है. और सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल बिल्कुल 2-3 लाइन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ऐसे जैसे आप पॉइंट्स में जैसे मेरा लेक्चर लिखा हुआ वो भी लिख दें तो वो पूरा नोट ही बन जाता है. और रॉड्स एंड कोन्स पे भी आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है. और आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ईयर का एंड आइज का. ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. और बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो आप कुछ बुक वर्क है और कुछ आप अपनी कॉपी पे कर लें. जैसे ये कुछ रीजंस वाले क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली, इसको जो है वो आप लोग अपनी नोटबुक पे कर लीजिएगा. और ये साथ ये 5 क्वेश्चंस जो हैं ये आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं. और बाकी चूज अ करेक्ट ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स, लेबल द फॉलोइंग आई स्ट्रक्चर और ईयर. जो आपने ईयर को सीक्वेंस बताना है ये आपका बुक वर्क है. लेकिन क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर सी ये आपने अपनी कॉपी पे करना है. और साथ के 5 क्वेश्चंस भी आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं. थैंक यू सो मच.